हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों आज है 20 जून 2020। 20 जून 2020 के जो भी करंट अफेयर है सबको डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ इनसे जो भी टॉपिक्स बनेंगे उन सबको भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें। दोस्तों अगर आप हमारे हमारे PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं इस करंट अफेयर के, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए कंपटीशन मैथ पॉइंट, वहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों हमें फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम ट्विटर कहीं भी फॉलो कर सकते हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलते हैं दोस्तों आज का जो भी करंट अफेयर है उसको डिस्कस करते हैं। हाल में ही किस राज्य में दिव्यांगजनों के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों झारखंड में, ठीक है, झारखंड में ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, झारखंड में दिव्यांगजनों के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है, समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या दो की ओर। निम्न में से किस क्रिकेट बोर्ड के मैच फिक्सिंग को अपराध मानने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है? निम्न में से किस क्रिकेट बोर्ड के मैच फिक्सिंग को अपराध मानने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है? ऑप्शन ए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड, ऑप्शन सी भारतीय क्रिकेट बोर्ड, ऑप्शन डी श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड। तो दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑप्शन ए लेकर चलेंगे। ठीक है, किस क्रिकेट बोर्ड? तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैच फिक्सिंग को अपराध मानने का प्रस्ताव की मंजूरी दे दी गई है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या तीन की ओर। हाल में ही लोकपाल जस्टिस डीके जैन का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ गया है? ऑप्शन ए है 2 साल के लिए, ऑप्शन बी है 1 साल के लिए, ऑप्शन सी है 3 साल के लिए, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 1 साल के लिए बढ़ गया है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर लेकर चलेंगे। तो किन का? तो जस्टिस डीके जैन का। जस्टिस डीके जैन का कितने साल के लिए कार्यकाल बढ़ गया है? तो 1 साल के लिए बढ़ गया है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या चौथे की ओर। क्लब नेपाली ने कौन सी बार इटली के फुटबॉल टूर्नामेंट कोपा इटालियन कप जीता है? ऑप्शन ए 2री बार, ऑप्शन बी 4थी बार, ऑप्शन सी 6ठी बार, ऑप्शन डी 9वीं बार। ऑप्शन ए 2री बार, ऑप्शन बी 4थी बार, ऑप्शन सी 6ठी बार, ऑप्शन डी 9वीं बार। तो दोस्तों 6ठी बार। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 6ठी बार। क्लब नेपाली ने इटली के फुटबॉल टूर्नामेंट को कोपा इटालियन को जीत लिया है, तो 6ठी बार ये जीत लिया है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 5 की ओर। हाल में ही कौन सा देश चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए बहरीन, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी थाईलैंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बहरीन। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बहरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहरीन। कौन सा देश चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी करेगा? तो बहरीन करेगा। कौन करेगा? बहरीन करेगा। ठीक है दोस्तों, बहरीन करेगा एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 6 की ओर। सस्टेनेबल गैसोस्ट्रोनॉमिक डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 17 जून, ऑप्शन बी 18 जून, ऑप्शन सी 19 जून, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन बी 18 जून के दिन, 18 जून के दिन सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया जाता है, 18 जून के दिन। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का बी आंसर लेके चलेंगे। ठीक है, चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 7 की ओर। भारत को हाल में ही कौन सी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSCC की अस्थायी सदस्य चुना गया है? तो ऑप्शन ए है 5वीं बार चुना गया है, ऑप्शन बी 7वीं बार, ऑप्शन सी 8वीं बार, ऑप्शन डी 10वीं बार। तो दोस्तों कितनी बार है ये? तो 8वीं बार ये चुना गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या लेके चलेंगे? 8वीं बार चुना गया है। भारत को हाल में ही कौन सी बार? तो 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 8 की ओर। हाल में ही मारुति सुजुकी ने किस बैंक के साथ मिलकर फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम शुरू की है?
हाल में ही मारुति सुजुकी ने किस बैंक के साथ मिलकर फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम शुरू की है? स्कीम तो ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी करूड़ वैश्य बैंक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों करूड़ वैश्य बैंक के साथ मिलकर, ठीक है, करूड़ वैश्य बैंक के साथ मिलकर मारुति सुजुकी ने फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम शुरू की है। फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम शुरू की है किसके साथ मिलकर? तो करूड़ वैश्य बैंक के साथ मिलकर। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 9 की ओर। हाल में ही किस राज्य ने ऑपरेशन डेजर्ट चेज शुरू किया है? हाल में ही किस राज्य ने ऑपरेशन डेजर्ट चेज शुरू किया है? ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राजस्थान ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी राजस्थान राज्य ने ऑपरेशन डेजर्ट के चेज शुरू किया है। किस राज्य ने? तो राजस्थान राज्य ने ऑपरेशन डेजर्ट चेज शुरू किया है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का लेके चलेंगे आंसर। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 10 की ओर। रेलवे ने हाल में ही चीन की सिग्नलिंग और टेलीकम्युनिकेशन के साथ कितने करोड़ का करार रद्द कर लेने का निर्णय लिया है? हाल में ही, ठीक है, रेलवे ने ही चीन की सिग्नलिंग और टेलीकम्युनिकेशन के साथ कितने करोड़ का करार रद्द करने का निर्णय ले लिया है? तो दोस्तों 471 करोड़ रुपये का टेलीकम्युनिकेशन निर्णय लेने का करार रद्द कर दिया है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 11 की ओर। हाल में ही सिरवी के नए निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए है देवेंद्र कुमार, ऑप्शन बी है दीपक मित्तल, ऑप्शन सी है सौरभ कुमार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 11 का ए हो जाएगा देवेंद्र, ठीक है, देवेंद्र कुमार सिंह। 11 का क्या हो जाएगा? देवेंद्र कुमार सिंह क्या बने हैं? तो देवेंद्र कुमार सिंह सिडबी के नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं। कौन किए गए हैं? तो देवेंद्र कुमार सिंह किए गए हैं, ठीक है, देवेंद्र कुमार सिंह किए गए हैं सिडबी के निदेशक। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 12 की ओर। हाल में किस राज्य में राजा पर्व मनाया गया है? ऑप्शन ए है केरला, ऑप्शन बी है त्रिपुरा, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है बिहार। तो दोस्तों उड़ीसा में मनाया गया है, ऑप्शन ये मैंने पहले भी एक क्वेश्चन करा दिया है, उड़ीसा में मनाया गया है। कौन सा पर्व? तो राज पर्व, राजा पर्व, ठीक है। हाल में किस राज्य में मनाया गया है राज पर्व? तो उड़ीसा में मनाया गया है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 13 की ओर। निम्न में से किस टेलीकॉम कंपनी ने शिक्षा के क्षेत्र की स्टार्टअप कंपनी लट्टू किड्स में, ठीक है, लट्टू किड्स में 10% की हिस्सेदारी खरीदी है? ऑप्शन ए रिलायंस जियो, ऑप्शन बी भारतीय एयरटेल, ऑप्शन सी वोडाफोन, ऑप्शन डी आइडिया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय एयरटेल, ठीक है, भारतीय एयरटेल ने शेयर खरीदा है। किस टेलीकॉम ने? तो भारतीय एयरटेल टेलीकॉम ने, ठीक है, भारतीय एयरटेल टेलीकॉम कंपनी ने शिक्षा क्षेत्र की स्टार्टअप कंपनी लट्टू किड्स में, ठीक है, 10% की हिस्सेदारी शेयर्स ले लिए हैं, ठीक है, खरीद लिए हैं। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 14 की ओर। हाल में किस राज्य ने 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? हाल में ही किस राज्य ने 18 जून को मास्क दिवस मनाने के रूप में निर्णय ले लिया है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है कर्नाटका, ऑप्शन डी है, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका ने 18 जून को मास्क दिवस मनाने का निर्णय ले लिया है, यानी कि अब से कर्नाटक में 18 जून के दिन मास्क दिवस मनाया जाएगा हर साल, ठीक है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 15 की ओर। हाल में ही एमके जेना किस कंपनी के नए एमडी बने हैं? ऑप्शन ए महासागर गैस, ऑप्शन बी गुजरात गैस, ऑप्शन सी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर लेकर चलेंगे, ऑप्शन सी, ठीक है। हाल में ही एके जेना किस कंपनी के एमडी बने हैं? तो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के एमडी बने हैं। चलते हैं दोस्तों कल के प्रश्न के ऊपर। कल का प्रश्न था न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू क्यूमो ने किस नोटिस टूर्नामेंट को कराने की मंजूरी दे दी है? तो ग्रैंड स्लैम का इस क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है। चलते हैं दोस्तों आज के प्रश्न की ओर। अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली नई मछली प्रजातियों का नाम क्या है? ऑप्शन ए है साइप्रिंस स्कॉर्पियो, ऑप्शन बी कैरासियस ऑरोटस, ऑप्शन सी एस्ट्रोनोट्स ऑसिलोटस, ऑप्शन सी इसकी जो थैरोक्स
सिकुसिरू मेनिसिस। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज के इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर से मैं नया करंट अफेयर लेके आऊँगा, वो भी 21 जून का। ठीक है, धन्यवाद।